तो दोस्तों आज के इस वीडियो में द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सुपरस्टार से फाइट करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गेम ऑफ स्टार पे डेमन किंग फिन बैलर और बिग मैन वॉकिंग टॉकिंग द अंडरटेकर का डेब्यूट हो चुका है। तो भाई लोग आज एक बार फिर से द ट्राइबल चीफ द गॉड मोड रोमन का एक बार फिर से गेम ऑफ स्टार में गॉड मोड टेस्ट होगा, यानी 1v3 के साथ साथ UFC ब्रॉक लेसनर भी आ चुके हैं, जो कि कैसे दिखते हैं तुम लोग गेम के अंदर देख लोगे। तो भाई देखते हैं। और ये नॉकआउट मैच भी है, सिर्फ पिन का नहीं है, नॉकआउट मैच भी है। तो रोमन एक भी नॉकआउट हो सकते हैं। UFC ब्रॉक लेसनर ने भाई स्टार्टिंग करी है भाई, इतना मैं बता रहा हूँ, ये खतरनाक ब्रॉक लेसनर है, ये कुछ भी कर सकता है भाई, नंगे पैर है, खींच के लात मारेगा पेट में। तो देखते हैं कि रोमन रेंस अपना गॉड मोड इन तीन दिग्गज के सामने सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं। वैसे भी डेमन किंग फिन बैलर का तो डेब्यूट है गेम ऑफ स्टार में। डेमन किंग फिन बैलर मेरे भाई का डेब्यूट नहीं है भाई। हां भाई, ये अंडरटेकर, अंडरटेकर से मुझे याद आया, दो बार बत्ती लगाई अंडरटेकर ने रोमन रेंस के गॉड मोड को, गिलिटिन मिल चुका है। अंडरटेकर ही ऐसे, अंडरटेकर और पॉल हेमन जिन्होंने गेम ऑफ स्टार में 1v1 में रोमन रेंस को हराया है, यानी कि उनके गॉड मोड को, उनके तख्त को चैलेंज किया है कि भाई मैं भी हूं यहां पर, लेजेंड हूं मैं। अभी तो यार UFC ब्रॉक लेसनर भी अच्छा खासा, भाई क्या कर रहे हो यार, डैमेज हो गए UFC ब्रॉक लेसनर, बॉडी कर रहे हो चुका है UFC ब्रॉक लेसनर का। लेकिन भाई दाढ़ी क्या यार, इसी दिन के लिए तुम्हें नंगे पैर मैंने बुलाया था भाई, तुझे जानबूझ के नंगे पैर बुलाया। एक्सट्रीम रूल्स यार ये सब मत करो, ऐसा पड़ गया। गुड, रोमन रेंस दिमाग से काम कर रहा है, फ्री पिन तो होगा नहीं भाई, और बंदे भी हैं यहां बचाने के लिए, कुछ नहीं होने वाला। तो रोमन रेंस अपने गॉड मोड को एक्टिवेट करो और हराओ तीनों को। यूएफसी प्रोफेसर यार डैमेज मत हो यार, क्या कर रहे हो, नॉकआउट हो जाओगे, नॉकआउट का भी है। रोमन रेंस ने दिखा दिया है कि मुझ पे बीट करो, इसी बात पे एक सुप्लेक्स तो बनता है, एक सुप्लेक्स चाहिए अपने को इसी बात पे, इसी बात पे एक लाइक बनता है। तुम लोग भी अपनी उंगलियां ऊपर करो और लाइक के बटन को प्रेस करो। डेमन किंग आ गया, और जानते हैं अमन, मैंने सुना है ना कि डेमन किंग काफी खतरनाक है 2K3 में। भाई अभी कहां से सुना, अभी तो डेब्यूट है हमारा, सपने में सुना था, सपने में सुना, बता रहा था सच्ची। डेमन किंग फिन बैलर ना मेरे भाई, कुछ भी यार सपने में आके मार सकता है, इसके पास पावर है, देख ऐसी मतलब कि सुपर नेचुरल पावर है, ही इज डेमन किंग। रोमन रेंस में आ रहे भाई लोग कि रेसलमेनिया में फिन बैलर वर्सेस एज में फिन बैलर अपने डेमन रूप को लाने वाले, सुनने में आ रहा है। अरे भाई अनाउंस हो चुका है भाई कि फिन बैलर डेमन रूप में रेसलमेनिया में आने वाले हैं। लेकिन आप यहां देखते हैं कि रोमन भाई काउंटर से बाहर मत करना प्लीज यार, ये चीटिंग मत करो। और जो मेरे सज्जन भाई लोग और अलौकिक शक्ति वाले भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यार उस शक्ति का यूज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि रोमन किस किस को एलिमिनेट कर पाएगा, या फिर बिना किसी को एलिमिनेट किए आउट हो जाएगा, या देखो भाई 1v3 कर देगा। रोमन रेंस गॉड मोड में गेमर स्लॉट की स्ट्रीम में, अरे उसको क्यों मारा, अरे ये देखिए तशन, एक लाख मारा स्टन, ब्रॉक लेसनर का येलो, ब्रॉक बदला लेगा येलो, रोमन का तो ऑरेंज हो चुका है, मेरे को लगता है कि बिना एक को भी एलिमिनेट किए फटाक से रवाना हो जाएगा। देख भाई गॉड मोड में रोमन, मुझे लगता है एक को तो एलिमिनेट कर ही देगा एटलीस्ट। देखते क्या रोमन कितना, इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहा है, उमंग के गॉड मोड की रिस्पेक्ट रखता है कि नहीं रोमन, रोमू रख ले रिस्पेक्ट भाई, वरना ये सब हरकतें करेगी मेरी, सब हरकतें करेगा तो रख ली रिस्पेक्ट भाई। डीमन मार मेरे भाई, डीमन के पास अभी तक कुछ नहीं है, 30 बार लगा दिया सिंगल, ऑरेंज हो चुकी है बॉडी रोमन रेंस की, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेयर से मत मार यार, क्यों मारना है यार, चेयर वेयर क्यों मारना है, सिग्नेचर आ गया वैसे रोमन के पास, सिग्नेचर देने के लिए समोन ड्रॉप लगा दिया। अरे मुझे लगा ना चेयर पे पड़ने वाला समोन ड्रॉप, अभी पिन नहीं होगा भाई, 1-2 किक आउट जैसा कि मुझे लगा था। और अब फिन बैलर के पास आ चुका है रोमन के पास चांस है ना, क्योंकि ना 2K23 में AI ऐसे बनाया ना कि एक नहीं होने देता अपने टैग टीम का, 1-2-3 होना तो बहुत दूर की बात है, तो रोमन को के पास सबसे बेस्ट चांस है नॉकआउट करने का। तो मैं भी यही बोलने वाला था कि रोमन एक नॉकआउट कर दे, और ये पड़ गया पब्लिक, रोमन ने बोला नहीं 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 मैं ये मैच नहीं हारूंगा, सबको हराऊंगा, रोमन ने लग गया स्पियर नॉकआउट। अच्छा डेमन किंग फिन बैलर को हल्के में ले रहे हो क्या उमंग, चलो कोई बात नहीं, एक फिनिशर आ चुका है रोमन रेंस के पास, देखा अंडरटेकर जब बचाने के लिए आए तो देखा एक नहीं होने दिया, अरे भाई एकदम क्लियर किया बैलर, मेरा भाई अंडरटेकर के बारे में सच्ची सच्ची बात तो बोलना, बचाने में आया बत्ती लगा, इसका पार्ट टाइम जॉब है अंडरटेकर का, रोमन रेंस की रोमन इसका कीड़ा करना भाई, रोमन इसका कीड़ा करने में ये तो एक स्पीयर बनता है भाई, दे दे भाई एक स्पीयर, एक लात मारो अंडरटेकर सर, एक लात मारो, नहीं दिया यार स्पीयर, मुंह पे मारो मुंह पे, खोपड़ी तोड़ो, तू किसको बोल रहा है अंडरटेकर को, रोमन अंडरटेकर को, तो तेरी बात रोमन रेंस क्यों मार रहा है भाई, और बोल पड़ेगी पड़ेगी एक लात पड़ेगी, अंडू बाबा अभी तक नहीं बचा पाए, और अंडू बाबा को पूरी तरीके से रोमन एक न्यूट्रलाइज कर रहा है, दो फिनिशर आने वाला है, चेयर की कौन रख के गया यार रिंग के बीच में, रोमन एक चेयर
अपने लिए ले आता, समझ? पड़ेगी पड़ेगी, चेयर भी पड़ेगी। अंडू बाबा उठाइए जरा एक चेयर। अंडू बाबा यार अपने सैंडोगंजी में आइए यार, आपको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, अपने सैंडोगंजी में आइए। अच्छा अंडरटेकर की टोपी हिल नहीं रही रास्ते से, ये तू देख रहा है? मिशेल ब्रॉक, यूएफसी ब्रॉक इज हियर भाई लोग। डोमिनेट स्पीयर पर जा, लगाइयो जरा सुप्लेक्स सिटी। बचा लिया यार, बचा लिया, बचा। आई थिंक एफ5 कर रहे हो। अच्छा रोमन की बॉडी रेड हो चुकी है, कभी भी एलिमिनेट हो सकता है बिना एक को भी एलिमिनेट किए। एक दो सुप्लेक्स से भी रोमन एक एलिमिनेट हो सकता है। अंडरटेकर की हेल्थ जाना तो शुरू भी नहीं हुई है भाई। रोमन का गॉड मोड। नहीं भाई नहीं, गिलिटी लगा दिया। हेलमेट मत थोड़ा प्लीज भाई, नहीं हुआ। यस यूएफसी ब्रॉक को हल्के में ले रहे हो क्या? अंडरटेकर फिर लगाने आ गया। अंडरटेकर की बत्ती ओपी, मिशेल में कुल ने पता नहीं कौन। अरे फिर से स्पीयर टाइम। अब तो हेलमेट हो जा रहा है, ब्रॉक इस पर प्लीज हो जा भाई। ओह हां, और स्पीयर हेलमेट। नहीं नहीं, यस यस, तेरे बोलने से टोकना बंद कर। टोकना भाई रेजेंस अभी कहा, फिर आ गया हैट्रिक अंडरटेकर ओपी। अंडरटेकर ओपी भाई, अंडरटेकर की टोपी ओपी। इसी बात पे अंडरटेकर की हैशटैग अंडरटेकर की टोपी ओपी हो जानी चाहिए। ये जो अंडरटेकर था ना, अंडरटेकर नाम का जो भाई, स्पीयर हेलमेट फाइनली फाइनली। जल्दी स्पीयर लगा दिया ब्रॉक को यार। रोमन रेक्स ने मेरी इज्जत रख ली है भाई। फाइनली एक बंदा यहाँ पर हेलमेट हो चुका है। डेमन किंग की भी हेल्थ कम है और ये पड़ा रॉक बॉटम। भाई डेमन किंग मेरे भाई, प्लीज एलिमिनेट मत होना, इसकी एनर्जी बहुत कम है। ये रिस्क है। तेरा स्टेटमेंट के साथ ना मैं एग्री करता हूं, बस मत हटा दे, मत हटा दे, बाकी मैं हां मैं भी इसी बात पे मत दे रहा हूं कि रोमन हारेगा। मत तू मत दे, मत दे रहा हूं मैं इसी बात पे, तू मत दे। अब तू देख रोमन एक कैसे इसका झालर निकालता है, हाथ में क्या पहन के आया भाई। अंडरटेकर की फूल हेल्थ है, अंडरटेकर पे तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है। डेमन किंग के पास सिग्नेचर है भाई। डेमन किंग तो हो सकता है कि एलिमिनेट हो जाए क्योंकि इसके पास हेल्थ बहुत ही कम है, पर अंडरटेकर सर तेरे मुंह में एक किलो टोपी वाले अंडरटेकर। अंडरटेकर सर नहीं है ये, सिर्फ टोपी एंड गॉगल्स वाले अंडरटेकर है। देखो भाई अंडरटेकर जब सर का जब शादी में होगा तब आते थे वो सैंडोगंजी में। शादी हो गया, बीबी ने टोपी और पता नहीं क्या पहना के भेज दिया। चेयर से मार के एलिमिनेट कर दे डेमन किंग। फिन बैलर के पास एक सिग्नेचर है, फ्री पिन तो होंगे सर। फ्री पिन ले लिया भाई, फ्री पिन ले लिया, बिल्कुल सही। वन टू किक आउट, रोमन रेक्स के पास आ चुका है। आने चाह रहा था कि मोमेंटम आ जाए कुछ फिन बैलर के पास। आया हो तो है भाई, और कितना है? और फिनिशर फिनिशर आ जाए रोमन रेक्स, फिनिशर या सिग्नेचर में रोमन रेक्स टाटा हो जाएगा। अच्छा एक बात बता ना, 3-on-1 में जेओस। अरे भाई रोमन रेक्स ने ब्लड लाइन को सिग्नल दे दिया है, अब आने वाला है भाई। फाइनली जेओस नहीं आ सकता है, बिल्कुल सही। अरे एकदम शांति मिली मेरे दिल को, कलेजे को ठंड। अंडरटेकर सर अंडू बाबा एक लात खींच के मुंह पे मारो, बिल्कुल सही। अंडू बाबा यार, अंडू बाबा परेशान कर रहे हैं। ये सब हरकतें करके ना, ये सब हरकतें गलत हैं। बाहर मत फेंकना रोमन, बाहर फेंक दिया रोमन। तू चाह के बाहर फेंके, बाहर में एडवांटेज है रोमन के पास, मोमेंटम ला सकता है। फिन बैलर को क्यों मार रहे हो रोमन? गुड, ये मार खाने लायक है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी में यही होता है भाई। डीमन क्या कर रहे हो मेरे भाई, स्टंट भी हो गए। अंडरटेकर से मारो खींच के। अब तो नहीं लगेगा, अब तो नहीं लगेगा। अरे लग गया भाई, लग गया, बिल्कुल सही भाई। ये क्या नया चीज बना दिया 2K23 में भाई। भाई कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हो, ये तो गलत बात है यार भाई। कभी भी, कभी भी तुम लोग को सोच ले करे डिस्टर्ब कर सकते, सोच ले कभी भी। रोमर एक बार सुप्लेक्स मार, अब जा रोमर एक अंदर। फिन बैलर के पीछे क्यों जा रहे हो, काउंट आउट हो जाओगे रोमन यार। फिन बैलर से क्यों इंगेज कर रहा है रोमन? फिन बैलर की एनर्जी वैसे भी खत्म, ऑरेंज बॉडी हो गया। फिन बैलर क्यों छेड़ रहे उसको रिपोस्ट के नीचे? रोमर चाहिए क्या तुमको इस चीज से? रोमर एक्स का रेड बॉडी छेड़ रहे उसको। अगर बाहर 2-3 सुप्लेक्स मिल गया ना रोमर एक्स को, रोमर एक निकला जाएगा। अंडरटेकर आया, एकदम सर पे लगा, खोपड़ी टूटी है रोमन की। रोमन यार रिंग के अंदर जा भाई, बाहर कुछ तेरा लेना देना नहीं है भाई यहाँ पर। अंडरटेकर सर के पास क्या है? चलो सिग्नेचर आ गया, अंडरटेकर सर के पास सिग्नेचर आ चुका। अरे भाई फिन बैलर लेकर के खड़ा स्टील स्टेप, ये बात हुई है यार। अंडरटेकर को लगा नहीं अब मारेगा यार, अब हो गया एलिमिनेट, और उसको पांच हो गया भाई। दोनों मिलकर के 10 तक गिरा करके रखो, स्टन होने वाला है रोमन। स्टन भाई क्या वही मार रहा है इधर उधर पटक। अरे मनहूस फिन बैलर क्या कर रहे हो यार? क्यों क्या अंडरटेकर सर ऊपर ही रहियो, काउंट आउट मारो। अंडू बाबा नीचे आ जाइए, अंडू बाबा ये आपको शोभा नहीं देता, मैं बता रहा हूँ यार। ये क्या जरूरत थी, जरूरत ही नहीं थी। अच्छा ले जाने नहीं देगा फिन बैलर अंदर, स्टिल मारता रहेगा। मारो फिन बैलर फिर से, बिल्कुल सही। क्या जुगलबंदी है भाई, डीमन और दी डेड मैन की, डीमन और डेड मैन। फाइनली रोमर एक स्टिल चेयर, स्टिल स्टेप तो छूटा हाथ से यार। ये अजीब बात नहीं फिन बैलर, जाना ऊपर चला गया मेरे। अरे यार अच्छा खासा जुगलबंदी चल रही थी, रोमर एक ऊपर यार थी यार ऊपर जाने की। फिन बैलर क्या कर रहे हो, रोमर एक सब चूरन खा ले। बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी ऊपर जाने की, अब मौका है। क्या कर रहे हो अंडरटेकर,
सर को गुस्सा चुका, अब मौका एक भाई खींच के लात मारा है, खून निकल गया बिल्कुल। फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। वन वनी में किकआउट हो चुका है। लव इट वुमन, एक स्पीयर दे, अब देने वाला है स्पीयर। स्पीयर लगा दिया, अभी तो नहीं जाएंगे, अभी कहां से, अभी नहीं जाएंगे, अभी तो पक्का। वन टू किकआउट होगा, थ्री हो गया भाई। गॉड मोड एक्टिवेट, गॉड मोड एक्टिवेट। अंडरटेकर सर रिसर्च भाई, रेजिलेंस क्यों नहीं यूज किया? अंडरटेकर ने टॉर्च पास कर दिया, मैं बता रहा हूँ हो चुका है टॉर्च पास। अरे कोई मतलब गुमनाम है, कोई वाला अंधेरा थोड़ी हो रहा है जो टॉर्च पास कर दिया। मोमबत्ती पास नहीं हुआ, टॉर्च पास हुआ है भैया। ये क्या सीन है? अब फिन बैलर कभी भी एलिमिनेट। फिन बैलर तो यार अब तब पे, बैलर क्या कर रहे हो? रोमन रेंस वाला एक सिग्नेचर है और एक फिनिशर है, ये मैच जीत सकता है भाई। इसको क्या सुपरमैन पंच लगा दिया, एलिमिनेट नहीं हुआ। अब तो ये खा लिया स्पीयर, एक पिन। अरे यार स्टर भी कैसे बचा है? वो वाटर रिवर्सल होता है। स्पीयर बच गया भाई, अभी एलिमिनेट हो गया था। अलौकिक शक्ति फिनिशर भी खर्च हो गया भाई, ग्लिच हो गया यार। अभी गिरा भी नहीं, गिरता भी तो पिन हो जाता यार। भाई तेरे लैंग्वेज में वो ग्लिच है, मेरे लैंग्वेज में अलौकिक शक्ति, यानी भाई ये कौन सी अलौकिक सुपर नेचुरल पावर्स है? डेमन पावर्स, डीमन पावर्स, सॉरी सुपर नेचुरल डीमन पावर्स। भाई ये क्या चीटिंग होता है यार। भाई एक और सेकंड चांस मिला है तेरे को फिन बैलर। रोमन कुछ जा ऊपर से, अगर जानता है नॉकआउट भी नहीं ना होता और स्पीयर से गिर भी जाता पिन हो जाता खुद। अच्छा ये भाई लात लग गया भाई, क्या कर रहे हो? सेकंड चांस मिला है तुमको, अब इतना ज्यादा पावर काम नहीं करेगा तुम्हारा। रोमन एक ऊपर से कुछ जा भाई, नीचे जाके मत मारना, एलिमिनेट हो जाएगा रोमन। हाँ बिल्कुल सही, डीमन किंग फिन बैलर, बस एक फिनिशर सिग्नेचर लगा देना। रोमन की बॉडी ऑरेंज नहीं, बॉडी रेड और हेड ऑरेंज है, कुछ भी करोगे ना एलिमिनेट हो जाएगा भाई। नहीं रोमन रेड की बॉडी पूरी रेड है, मैं तो बोलता हूँ रोमन के सामने जोर से जाके चिल्ला भी दोगे ना तभी वो डर से नॉकआउट हो जाएगा। अरे ये रोमन भाई नहीं, यस मैंने भी अपनी उंगलियां ऊपर कर दी है। विद अवंस वाला कांड हो गया, लगा दो स्लिंग ब्लेड, बिल्कुल सही नॉर्मल शॉट से भी चला जाएगा। फिनिशर आ गया डीमन किंग फिन बैलर के पास, फिनिशर लगा दो। फिनिशर मत लगाना भाई, तुझे कसम है। स्लिंग ब्लेड, सेकंड स्लिंग ब्लेड, मुंह पे लात मारो, बिल्कुल सही भाई। यार ये मत करो यार रोमन के साथ, रोमन को भी एक मौका दो। यार वो फिनिशर देने जा रहा था, क्या सीन है? चलो पहले किक भी चलेगा, भाई पहले किक से पेल दिया ओपी भाई। Hashtag glitch, hashtag नाइंसाफी और hashtag अलौकिक शक्तियां, hashtag demon superpowers, hashtag go to hell। भाई Undertaker सर इतने खुश क्यों है भाई? देखो रिश्वत खा गया है, जैसा मन चार Undertaker ने टॉर्च दिया। रोमर एक पॉकेट में रख के टॉर्च निकल चुका है, अब Undertaker के सारा ले जाए, अब किसी को नहीं मिलेगा, अब किसी को नहीं। तो चलो भाई लोग ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में। और यार कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो तुम लोगों को कौन सी चाहिए, और जीएम मोड के अंदर यार कल डाली थी तो 2K लाइक्स कंप्लीट करो, 2K लाइक्स कंप्लीट करो और तब हम नई वीडियो लाएंगे। और स्ट्रीम में हमारा यूनिवर्स मोड बैक आ रहा है, तो मिलते हैं स्ट्रीम में। तो भाई लोग चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय, एंड ट्राई करो होम, करो ट्राई और फिन बैलर को मारो। हमारे मना करने से कौन सा तुम नहीं करोगे, करो और मारो फिन बैलर, पेल दो। टाटा गुड बाय, गुड बाय, सी यू टाटा।